है गाइस, अगर आप लोग अपने YouTube चैनल की मोनेटाइज कर लिए हो लेकिन Google Adsense अकाउंट जो है एडिटिव वेरिफिकेशन करने के लिए आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो लेकिन आप लोगों के पास कुछ इस तरह का मेल आ रहा, फिर से आपको बोल रहा है कि फिर से आप Google Adsense एडिटिव वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट का अपलोड करो, तो यहाँ पे देखो कि मेरे साथ भी यहाँ पे कुछ इसी तरह से प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो Google Adsense अकाउंट एडिटिव वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हो, थंबनेल यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हो। एक दो दिन ही हुआ है वीडियो को अपलोड किए हुए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे पैन कार्ड मैंने अपलोड किया, मतलब पैन कार्ड मैंने डाला, फिर भी मेरे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे जो रिजेक्ट कर दे रहा था, बार बार बोल रहा था फिर से, मतलब फिर से अच्छा तरह से मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कीजिए, यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मतलब कुछ यहाँ पे इस तरह से कुछ मेल भी आ रहा था और यहाँ पे मेरा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे मैं जो कर रहा था यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरह से आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है जो कि आपका कंप्लीट यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट आपका हो जाएगा, क्या करना है आपको नहीं करना है इस वीडियो आप लोगों को वही बताऊंगा, तो वीडियो को कहीं भी आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने दो बार ट्राई किया था, यहाँ पे दो बार मैंने ट्राई किया, दोनों बार इसमें से कोई भी मतलब कि यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो दो बार मैंने ट्राई किया, दो बार से ज्यादा ट्राई नहीं किया था, ठीक है। तो दोनों बार यहाँ पे जो भी किया था दोनों बार में मतलब रिजेक्ट कर दिया, फिर से वो मेरे को बोल रहा था फिर से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए फिर से अप्लाई कीजिए, फिर से मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कीजिए, ठीक है। तो एक बार मेरा रिजेक्ट हो गया, दूसरा बार भी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, उसके बाद तीसरा बार मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे तीसरा बार मैं देख सकते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आपको मतलब किस तरह से करना है नहीं करना है इसलिए आप लोग वही बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड है, ठीक है, तो पैन कार्ड का फोटो जो भी आप अपलोड कर रहे हो एक से दो बार अपलोड करके देखो सही तरह से, अगर नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है ड्राइविंग लाइसेंस आपको डालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कि ड्राइविंग लाइसेंस मैंने डाला यहाँ पे कितना बजे, मतलब कि 3 बजे मैंने कुछ यहाँ पे मतलब कि इसको मतलब फिर से मैंने अपलोड किया था ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड जो था वो पैन कार्ड यहाँ पे नहीं लिया, बार बार रिजेक्ट कर दे रहा था पैन कार्ड के लिए, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से कुछ मेल आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ ना जो कि गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट का जो मतलब डॉक्यूमेंट आपको क्या देना है, यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड दिया है और ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, ठीक है। ये दोनों में से अगर आप कुछ भी देते हो ना तो आपका मतलब 1 घंटे के आधे घंटे अंदर आपको यहाँ पे सक्सेसफुली जो है कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे पासवर्ड ये दोनों देते हो ना तो आपका मतलब बहुत ही आसान तरीके से आपका जो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 बार से ज़्यादा अगर आप ट्राई कर देते हो ना तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन आता है एक्शन बटन का, मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए जो हम लोग को ऑप्शन मिलता है ना वो ऑप्शन जो है गूगल एडसन अकाउंट हटा देगा। एक बार ट्राई करते हो तो फिर आपको एक बार और ट्राई करने मिलता है, तीसरा बार ट्राई कर लेते हो उसके बाद भी अगर आपका सक्सेसफुल यहाँ पे मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर नहीं होता है उसके बाद अगर आपका गूगल एडसन अकाउंट पे जो है पे एक्शन का बटन जो है गूगल एडसन अकाउंट जो है हटा देता है, वहाँ पे हम लोग कोई भी मतलब ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए। तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि आपका गूगल एडसन अकाउंट पे जितना भी सारे डॉलर होंगे सारा डॉलर आपका बर्बाद हो जाएगा क्योंकि अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने के बाद फिर से आपको जो यहाँ पे मतलब कि एक्शन का बटन मिलेगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पे पिन के लिए अप्लाई कर सकते हो, पिन मतलब कि यहाँ पे जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना कि 3 बार से ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्राई नहीं करना, अगर 3 बार से ज़्यादा अगर ट्राई कर लेते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा और आपका जो भी इनकम किए होंगे $5, $10, $20, $50 जो भी रहेगा वो सारा आपका फालतू चला जाएगा। तो आपको ध्यान देना कि 1 से 2 बार ही पैन कार्ड आपको डालना है, अगर पैन कार्ड नहीं लेता है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर लो, फिर किसी भी अपने फैमिली में अगर किसी का भी है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप वीडियो बना रहे हो और आपका मतलब कि पापा भाई का किसी का भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ करोगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली जो है 101% यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो भी रहेगा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों कोई सवाल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।